दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से खाद व चावल के बोरियों की चोरी करने वाले गिरोह को दुर्ग की ACCU टीम व जिले की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ताजा मामले में अंडा थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्राम आमटी के गोदाम में लगे लोहे का शटर और चैनल गेट तोड़कर गोदाम में रखे 192 बोरी चावल और 75 किलो चीनी चोरी कर आरोपी चोर भाग निकले थे। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शरद कुमार सिन्हा ने मीडिया को इस प्रकार से दी है। दुर्ग जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि PDF के चावल की चोरियाँ हो रही हैं, साथ साथ कुछ खाद की भी चोरियाँ हुई हैं। तो सूचना मिलने पर जो आखिरी चोरी हुई थी अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमटी गाँव में, वहाँ पर PDF शॉप में ताला तोड़ करके लगभग 192 बोरे चावल की चोरी की गई थी। तो सूचना मिलते साथ ही अंडा थाना की टीम और ACCU की टीम लगातार उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे पतासाजी में जुटी हुई थी। इस बीच कुछ CCTV कैमरे में हमको फुटेज मिले थे जिससे ये संदेह हुआ कि किसी पिकअप में इन बोरियों को भरकर ले जाया जा रहा है। जब उस CCTV का ट्रेल स्थापित किया गया तो राजनांदगांव की तरफ उनका रूट दिखा। राजनांदगांव पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया तो वहाँ पर भी इस तरीके की चोरियाँ हुई थी, वो लोग भी आरोपियों को ढूंढ रहे थे। तो दोनों टीमों ने अपने इनपुट्स मिलाकर शेयर किए, फिर राजनांदगांव पुलिस को 10 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई इस केस में। उनकी निशानदेही पे जो मुख्य आरोपी अजय जैन वो फरार हो गया था, वो पकड़ाया नहीं था, उसको उसके पतासाजी हम लोग कर रहे थे। और बलौदाबाजार ज़िले में उसका लोकेशन मिलने पर हमारी टीम ने बलौदाबाजार ज़िले से उसको गिरफ्तार किया है अजय जैन को। अजय जैन बहुत ही शातिर चोर है, लगभग 35 मामले इसके ऊपर पहले से पेंडिंग है और ये इसी तरीके की चोरी करता है। तो चोरी के पश्चात ये PDF के जो चावल होते हैं उनको दूसरे बोरों में डाल करके फिर खपाने का प्रयास करते थे। इनके कब्जे से इनकी निशानदेही पे हमको पूरे जो हमारे यहाँ से चोरी गए 192 बोरी चावल थे वो रिकवर हो गए हैं। और जो 10 साथी राजनांदगांव पुलिस ने पहले इनके गिरफ्तार किए उनको भी प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के हम लोग अपने यहाँ शामिल करेंगे और इस केस में आगे फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। पूरे जो घटनाक्रम था, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मैटर था, PDF का चावल जाना मतलब कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मसला था, तो हम लोगों की 2-3 अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही थी, जिसमें साइबर सेल की टीम थी हमारी, ACCU और थाना की कंबाइंड टीम मिल करके फील्ड पे विजिट कर रहे थे, फील्ड पे इनपुट्स ले रहे थे। तो लगभग 10 दिन का टाइम लग गया जिसमें हमको पूरा ट्रेल स्थापित करना और साथ साथ इनके बारे में पतासाजी करने में टाइम लगा। और क्योंकि अजय जैन जो मुख्य सरगना है वो कि फरार था, तो उसको पकड़ने में उसका लोकेशन निकालने में सबसे काफ़ी मशक्कत लगी। इसमें 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे के फुटेज हमारी टीम ने देखे, लेकिन फाइनली हम लोगों ने सबको गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक हमारे लिए अच्छी उपलब्धि है।